और इस वक्त की बड़ी खबर, अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए कहा कि एससी एसटी को नौकरी में प्रमोशन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार की भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र और राज्य सरकारों ने जहां सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण की वकालत की थी, तो वहीं याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेंच का सर्वसम्मति से फैसला सामने आया है। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला आज सुनाया है। फैसले पर पुनर्विचार की भी जरूरत नहीं है। तो प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सामने दिया है। इस पर लंबे समय से इंतजार हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज ये फैसला आया है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता राजन सिंह जुड़ गए हैं। राजन जी, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब बिल्कुल, जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण की मांग कई संगठनों की तरफ से लगातार की गई थी और याचिका दायर की गई थी, उसके बाद मामला संविधान पीठ के पास भेजा गया था कि क्या जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नागराज मामले में, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सरकार ये डेटा नहीं देती है कि जो नौकरियों में आरक्षण पाने वाले बाद में भी पिछड़े ही रह जाते हैं अगर उन्हें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाता है, अगर वो डेटा नहीं देते हैं तो उसमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो कमोबेश वही स्थिति बरकरार रखी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस मांग को खारिज कर दिया है कि इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाए ताकि बेहतर तरीके से सुनवाई हो सके। और साथ ही कोर्ट ने सरकार की इस बात को भी मान लिया है कि फिलहाल ये डेटा जुटा पाना मुमकिन नहीं है। सरकार की दलील थी कि ये डेटा जुटा पाना मुमकिन नहीं है, तो हालांकि सरकार एक तरीके से सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि सरकार अगर वो डेटा जुटाने के लिए कोशिश करती और प्रमोशन में आरक्षण का एक मामला फिर से खुल जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश मिलने के बाद, तो निश्चित तौर पर जहां तक दलित वोट बैंक का सवाल है तो वो दलित पार्टियां अपने लिए राजनीति करती, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल ये होती कि फिर जो सवर्णों का वोट बैंक है और बाकी जो वोट बैंक है उसको कैसे इकट्ठा रखा जा सके। तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये डेटा नहीं जुटाया जा सकता और कोर्ट ने कमोबेश उसको मान लिया है। और कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं की इस मांग को खारिज कर दिया है कि इस नागराज जजमेंट को 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाए ताकि प्रमोशन में आरक्षण दिलाने की जो कवायद है उसे आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल राजन जी, और जिस तरह से राज्य सरकारों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी आरक्षण लागू है, कहीं ना कहीं वो भी वोट बैंक का ही नतीजा सामने है, क्योंकि लगातार इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे राज्य जहां पर अभी भी ये नियम लागू है। अब बिल्कुल, जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण देने की बात, हालांकि राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने नागराज जजमेंट में भी छोड़ा था कि अगर राज्य सरकारों को ये साबित करने में सफल होती है कि प्रमोशन नौकरियों में आरक्षण मिलने के बावजूद अगर कोई समाज का तबका पिछड़ा रह गया है तो उसे जस्टिफाई करना होगा सरकार को, राज्य सरकार को, कि उसे प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने की मांग हो रही थी कि जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, तो उस पर सरकार की बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नागराज जजमेंट के में कोई छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है और ये कहा कि 7 जजों की बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा और जो फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं देने का व्यवस्था है केंद्रीय नौकरियों में उसमें वो जारी रहेगा। बिल्कुल राजन जी, कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरह से एससी एसटी पर कहा गया है कि आरक्षण में प्रमोशन नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।